विश बॉय डीजे करण। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने क्रिएट किया है ये लोडी मेकअप लुक। अगर मेरा लुक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है गुड वाइब्स का रोज़ हिप टोनर। इसे मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और इसको एयर ड्राई कर लूँगी ताकि ये मेरे फेस में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और मेरा फेस अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। अब मैंने ये गुड वाइब्स का रोज़ शिप रेडियंट ग्लो सीरम लिया है और इसके 2 से 3 ड्रॉप मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और इसको मसाज करके मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरे फेस पे एक अच्छा सा ग्लो आ जाए और जो मेरा बेस है वो अच्छे से सेट हो जाए। और इसको मेकअप से पहले लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैंने ये निविया का सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र लिया है और इसे भी मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करूँगी। जितने अच्छे से हम अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लेंगे, क्योंकि गाइज इस टाइम विंटर सीजन है, उतना ही अच्छा हमारा मेकअप ग्लो करेगा। अब मैंने ब्लू हेवन के लिप बाम से अपने लिप्स को हाइड्रेट कर लिया है। मैंने ये ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज़ किया है जिससे मैं अपने आईज़ के डार्क सर्कल्स को और जो मेरे फेस पे डार्कनेस है, डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स के स्पॉट्स हैं, वो सारे इससे हाइड हो जाएंगे। अगर आपके पास कलर करेक्टर ना हो तो आप किसी भी ऑरेंज कलर की लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एज अ कलर करेक्टर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब मैंने लिया है ये कंसीलर और इससे मैं अपने पूरे फेस को कंसील कर लूँगी और जहाँ जहाँ मैंने ये कलर करेक्टर यूज़ किया था उस जगह पे मैं कंसीलर को भी यूज़ कर लूँगी ताकि ये जो मेरे फेस पे स्पॉट्स वगैरह हैं ये अनइवन टोन ना लगे। और एक बैड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी और पूरे फेस की जो स्किन है वो इवन टोन हो जाएगी। अब मैंने ये ओलिविया की पेन स्टिक ली है जिसका शेड नंबर है 03 नेचुरल और इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते टाइम वो वेट ही होना चाहिए। अगर आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करते हैं तो आपका जो बेस है वो बहुत पैची पैची सा दिखता है और साथ ही आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करेंगे तो जो आपका बेस है वो काफ़ी फ्लॉलेस दिखेगा। अब मैंने इसे अपने नेक पर भी अप्लाई कर लिया है और इसे अपने नेक पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैंने ये मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। अब इससे मैं अपने बेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी जिससे कि जो मेरा बेस है वो कहीं से भी पैची पैची सा ना दिखे, अच्छे से सेट हो जाए। अब मैंने ये मोरफे की जैकलिन हिल आई शेडो पैलेट ली है और इसमें से मैंने डार्क ऑरेंज कलर पिक किया है और इसे मैं अपनी पूरी आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई एजिस ना बने। मैंने इसे इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक पूरे तरीके से ब्लेंड कर दिया है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया था। अब मैंने ये गोल्डन कलर का सिमरी आई शेडो लिया है। इसे मैंने अपने सेंटर आईलिड पर अप्लाई कर लिया है। अब मैंने लिए है कलर्स क्वीन की डार्क ब्राउन आईब्रो पेंसिल जिससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। मैंने लिए है ये ब्लू हेवन का बोल्ड आईलाइनर और इससे मैं एक विंग आईलाइनर क्रिएट कर लूँगी जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है विंग लाइनर। अब मैंने लिया है ये लैक्मे का काजल और इसे मैं अपने लोअर लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। जो ब्रश मैंने आई शेडो के लिए यूज़ किया था उस पर जो एक्सेस प्रोडक्ट था उसी ब्रश को मैंने अपने लोअर लाइन पर अप्लाई कर लिया है। अब मैंने ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा यूज़ किया है जिससे कि मैं अपने आईलैशेस को बहुत ही सुंदर बना लूँगी और इसके साथ ही मेरा आई मेकअप कम्प्लीट हो जाएगा और यही सेम आई मेकअप मैं अपनी दूसरी आई पर भी कर लूँगी। अब मैंने लिए स्विस ब्यूटी की ब्लश पैलेट जिसमें से मैंने पिंक कलर का ब्लश लगाया है और इसी के साथ मैं अपना ब्लश कम्प्लीट कर लूँगी। अब मैंने की है हल्की सी ब्रॉन्जिंग क्योंकि मैंने पहले कॉन्टोरिंग नहीं की थी तो ब्रॉन्जिंग करनी ज़रूरी है। और मैंने इसी पैलेट से अपने हाइलाइटर को यूज़ किया है। मेरे जितने भी हाइलाइटिंग पॉइंट्स थे फेस पर उन सभी जगहों पे मैंने हाइलाइटर का यूज़ कर लिया था और मेरा फेस काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। मैंने लिए स्विस ब्यूटी की ऑल अबाउट लिपस्टिक पैलेट जिसमें से मैंने मेहरून कलर की लिपस्टिक का शेड लिया है और इसे मैं अपने लिप्स पे लिपस्टिक ब्रश की हेल्प से लगा लूँगी। पैलेट के सारे ही कलर काफ़ी पिगमेंटेड हैं, लॉन्ग लास्टिंग है और जो लिपस्टिक का टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ है, साथ ही ईजी टू ब्लेंड है। तो इसी के साथ मेरा मेकअप हो जाता है कम्प्लीट और गाइज ये है मेरा फाइनल लुक।
तो कैसा लगा आपको मेरा मेकअप? अगर मेरा मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जदों ए आउंदी ए ल